कपड़ा मार्केट का चोरी कांड दिनों दिन तुल पकड़ता जा रहा है। राधा कृष्णा टेक्सटाइल मार्केट में भी हो चुकी है आरआरटीएम की तरह चोरी। जी हाँ, कहा जाए व्यापारी जब घर में ही है चोर। व्यापारी क्यों कतरा रहे हैं पुलिस की मदद लेने से। सूरत के कपड़ा बाजार से क्यों नहीं दूर हो रही है चोरी की गंदगी। क्या पुलिस इस घोटाले में खुद बनेगी शिकायत करता। क्या फिर से व्यापारी करेंगे शिफ्टिंग। आरकेटीएम के बाद आरआरटीएम में ही क्यों चोरी। राधारमन टेक्सटाइल मार्केट में स्टाफ की मिलीभगत से हुआ चोरी सूरत शहर के कपड़ा बाजार की इस तरह की पहली चोरी नहीं है। इसके पहले भी कपड़ा बाजार में इस तरह की चोरी हो चुकी है। बेगमवाड़ी के राधा कृष्ण टेक्सटाइल मार्केट में भी इस तरह से कुछ गैंग के लोगों ने सिक्योरिटी की मिलीभगत से लाखों रुपए की चोरी की थी। इसके बाद बड़ी संख्या में व्यापारियों ने वहां से दूसरे स्थानों पर दुकानें खरीद ली थी और वहां से शिफ्ट हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। राधारमन टेक्सटाइल मार्केट में भी हुई चोरी ने फिर से एक बार कपड़ा बाजार में व्यापारियों की दुकान कितनी सुरक्षित है इस पर सवाल ये निशान खड़ा कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि महंगी मार्केटों में दुकान खरीदने के बाद भी माल सामान सुरक्षित नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसके बाद भी चोरी की घटना हो रही है। आरआरटीएम मार्केट में स्टाफ ने जिस तरह से व्यापारी के गोडाउन से माल चोरी करवाने की भूमिका निभाई है, इसके बाद से व्यापारी अपने गोडाउन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं। हालांकि आरआरटीएम मार्केट में प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर लेने का दावा किया था, लेकिन इस तरह से कब तक व्यापारी चोरी का शिकार बनते रहेंगे, ये सवाल या निशान खड़ा हो गया है।